Hi! Welcome to BookBox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Shukriya, Secretary Sahab. Mera palan poshan ek khel premi parivar mein hua. Mere daddy ko tennis se bahut lagav tha. Wo tennis ke rashtriya champion the. और मम्मी बैडमिंटन की खिलाड़ी। स्कूल की छुट्टी के बाद हमारा परिवार टेनिस कोचिंग सेंटर पर मिलता था। मम्मी एक बड़े से बैग में हमारी जरूरत की सभी चीजें लेकर आती। गरम दूध, फल और टेनिस की पोशाक वगैरह। स्कूल के फौरन बाद मैं और मेरी छोटी बहन रीता टेनिस कोर्ट पर पहुंच जाते। अपनी बारी के इंतजार में समय बर्बाद ना करते हुए हम कोर्ट के किनारे लगी बेंच पर बैठकर अपना होमवर्क पूरा करने की कोशिश करते। 14-15 बरस की उम्र में टेनिस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मुझे देश भर में घूमना पड़ता था। उन दिनों हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, इसलिए मैं बिना रिजर्वेशन के ही रेल में सफर किया करती थी। वैसे थर्ड क्लास में सफर करने का फायदा यह होता था कि मेरे जैसे विद्यार्थियों को रेल टिकट आधी कीमत पर मिलता था। लेकिन आधी कीमत पर टिकट दिलवाने वाला फॉर्म हासिल करना आसान नहीं था। यह फॉर्म टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलता था और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अपनी महत्ता जताने के लिए वो फॉर्म हासिल करने वालों को काफी इंतजार करवाते थे। उनसे मिलने के चक्कर में कभी कभी मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। मुझे होमवर्क, परीक्षा की तैयारी, टेनिस और कसरत वगैरह के लिए समय ही नहीं मिलता था। लेकिन सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए लाइन में खड़े होना भी जरूरी था और लाइन थी कि बस रेंगती सी नजर आती थी। परेशान होकर मैं अपना गुस्सा बेंच पर मुक्के मार मार कर निकालती। ऐसे ही एक दिन घंटों इंतजार के बाद जब सेक्रेटरी साहब से मिलने की मेरी बारी आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने उनसे कहा, सर मैंने आपसे ये सीखा है कि मुझे हमेशा दूसरों की जरूरतों का आदर करना चाहिए। बड़ी होकर मैं कभी भी किसी से इस तरह इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं दूसरों के समय की कीमत समझूंगी। सेक्रेटरी साहब बहुत नाराज हुए। जानते हैं उन्होंने क्या किया? मैं टेनिस की नेशनल जूनियर चैंपियन बन चुकी थी और जैसे की परंपरा थी मुझे इंतजार था विंबलडन में खेलने के लिए अपना नाम भेजे जाने का। विंबलडन जैसी जानी मानी चैंपियनशिप में खेलना मेरा सपना था। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने मेरी जगह किसी और का नाम भेज दिया। अपना सपना टूट जाने पर मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन मैंने तय किया कि अब मैं पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। नतीजा जल्दी ही सामने आया और मैं क्लास में फर्स्ट आई। आज जब मैं अतीत में झांकती हूं तो ऐसा कीमती सबक सिखाने के लिए सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने मुझे लोगों के समय का आदर करने वाली पुलिस अफसर बनने की प्रेरणा दी। बॉयकट बालों वाली लड़की। आधी रात के बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। मैंने बैकपैक कंधे पर डाला और ट्रेन से उतरकर इधर उधर देखा तो पाया
कुछ कुली अपनी ठेला गाड़ियों पर सोए हुए थे। उनके पास ही सोया था एक आवारा कुत्ता जो मुझे देखकर भौंकने लगा। एक कुली ने अपनी गर्दन उठाई, कुत्ते के कान में कुछ बुदबुदाया और फिर मुझे देखकर बोला, सर जी ये जगह रात को ठीक नहीं है, रिटायरिंग रूम में चले जाओ। मैं मन ही मन मुस्कुराई और सोचने लगी कि इसे पता नहीं है कि मैं लड़की हूं। स्कूल के दिनों से ही मैंने पैंट और ढीली डाली कमीज पहननी शुरू कर दी थी। टेनिस मैच खेलने के सिलसिले में मैं अक्सर देश भर में अकेले ही सफर करती थी और कई जगह पर मेरी ये ड्रेस मुझे बचा लेती थी। मेरे बाल भी छोटे छोटे थे, यानी बॉय कट। मेरी ड्रेस और छोटे बालों के कारण लोग अक्सर समझ नहीं पाते थे कि मैं लड़का हूं या लड़की। क्या आप मेरे बाल कटने की कहानी जानना चाहेंगे? उन दिनों मेरी सभी सहेलियों की लंबी लंबी चोटियां थी, लेकिन मेरी ये चोटियां जी का जंजाल थी। मैं चोटी बनाकर अपने बालों को पिनों से पूरी तरह कस देती थी, लेकिन इसके बावजूद थोड़ी देर में मेरे बाल चेहरे पर बिखरे होते। एक दोपहर मैं मैच खेल रही थी, एक तो गर्मी और ऊपर से मेरी हिलती ढुलती चोटियां। मेरा ध्यान बार बार खेल से उचट रहा था। मैं परेशान हो गई। मैं दौड़कर खेल देख रहे मम्मी डैडी के पास गई और उनसे पूछा, मैं बाल कटवा लूं? उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। मैं रैकेट को वहीं छोड़कर सड़क के पार नाई की दुकान पर जा पहुंची। नाई था तो काफी मशहूर, लेकिन वो सिर्फ आदमियों के बाल काटता था। उसने मुझसे पूछा, क्या चाहिए? मैंने जवाब दिया, बाल कटवाने हैं। बस उसने मेरी चोटियां पकड़ी और खचाखच कैंची चला दी। उसकी इस हरकत पर कोई भी लड़की चिल्ला उठती। फिर बड़े गर्व से उसने मेरी चोटियां मेरे चेहरे के सामने लहराई। गीली लाल रिबन से बंधी चोटियां, ये दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर उसने मेरे बालों को और भी काट छांट कर लड़कों जैसा कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि ये मेरा बॉयकट किसी दिन लड़कियों का जबरदस्त फैशन बन जाएगा। छोटे बालों से मुझे बहुत चैन मिला, क्योंकि अब मैं पूरी एकाग्रता से खेल सकती थी। बहुत देर बाद एक बात मेरी समझ में आई कि कम उम्र में ही बाल कटवाने जैसे सीधे सादे फैसले ने मुझे जीवन में जरूरी चीजों को प्राथमिकता देने की आदत सिखाई। मेरे लिए खेल अच्छी तरह खेलना सुंदर दिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर एक जूता खो जाए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, मैं सबसे नजदीकी जनाना डिब्बे की तरफ लपकी। डिब्बा खचाखच भरा था। बड़ी मुश्किल से खड़े होने की जगह मिल पाई। उन दिनों टेनिस मैच खेलने के लिए मुझे काफी सफर करना होता था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली, मैंने चारों ओर देखा तो पाया
कि कुछ महिलाएं मुझे अजीब नजरों से घूर घूर कर देख रही थी। अचानक उनमें से एक महिला उठी और अपनी छतरी से मुझे मारने लगी। बस फिर क्या था, जिस महिला के हाथ जो भी लगा वो उसी से मुझे मारने लगी। वो सब चिल्ला रही थी, इन लफंगों ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। उस गड़बड़ में मेरी समझ में आया कि वे सब मुझे लड़का समझ रही थी। पिटते पिटते मुझे ये ख्याल आया कि मैंने पैंट कमीज और जूते पहन रखे हैं और मेरे बाल भी लड़कों जैसे छोटे छोटे हैं। पिटते पिटते मैं चिल्ला रही थी, मेरी बात सुनिए, मैं लड़की हूं, मेरी बात का यकीन कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और पीटते हुए मुझे डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेलने लगे। वो मुझे दरवाजे तक ले आई, मैंने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इसी धक्कम धक्के में मेरा एक जूता फिसलकर नीचे पटरी पर जा गिरा। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने दूसरा जूता भी उतार कर नीचे फेंक दिया, इसलिए कि जिसे भी मिले जूतों की जोड़ी मिले ताकि वो उनका इस्तेमाल तो कर पाए। अगला स्टेशन आने तक मैं दरवाजे से चिपकी रही और जैसे ही प्लेटफॉर्म आया उस पर जा गिरी। प्लेटफॉर्म का सीमेंट का फर्श था तो सख्त, लेकिन महिलाओं की धक्का मुक्की झेलने के बाद वो मुझे काफी आराम दे लगा। इस घटना के कई महीने बाद मैंने कहीं पढ़ा कि एक बार गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था। ट्रेन में सफर करते हुए जब उनकी एक चप्पल पटरी पर गिर गई तो उन्होंने तुरंत ही दूसरी भी फेंक दी। स्टेशन आने पर वो बिना रुके और बिना ही चिंता किए कि वो नंगे पांव हैं, मुस्कुराते हुए अपने मेजबान की तरफ बढ़ गए। जब उनके मेजबान ने पूछा कि आप नंगे पैर क्यों हैं, तो उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया और कहा, मुझे खुशी है कि कोई तो चप्पलों को इस्तेमाल कर पाएगा। क्रेन बेदी, राज्यपाल साहब का बुलावा आया तो मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। उनके दफ्तर में पहुंची तो उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, किरण, जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैंने कहा, जी नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोले, किरण, एशियाई खेलों में सिर्फ एक साल बाकी है और दिल्ली के ट्रैफिक की हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली के ट्रैफिक की बागडोर संभालो। मैं हैरान रह गई, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और ये मेरे कामकाजी जीवन का एक बहुत ही सुखद अनुभव साबित हुई। इसी के कारण मैं किरण बेदी की जगह क्रेन बेदी के नाम से मशहूर हुई। 1982 में दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। दिल्ली के ट्रैफिक की हालत सुधारने के लिए मुझे पूरी शक्ति लगानी पड़ी। वायरलेस सेट और लाउडस्पीकर से लैस
अपनी सफेद एम्बेसडर कार में मैं रोज सुबह 8 बजे सड़कों पर निकल पड़ती। मेरे हाथ में माइक होता था, जहां जरूरत पड़ती थी ट्रैफिक का संचालन करती थी। उन दिनों मैं रोज 19 घंटे काम करती। थकी टूटी घर लौटती तो बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। सुबह तरोताजा उठती और एक नए जोश के साथ फिर निकल पड़ती दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली के लोगों को रोज मुझे ट्रैफिक संभालते हुए देखने की आदत सी पड़ गई थी। उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी था कि लोगों को गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी करने से रोका जाए। पुलिस के पास क्रेनें नहीं थी, इसलिए मैंने शहर में उपलब्ध सभी क्रेनें किराए पर ले ली और गलत ढंग से खड़ी गाड़ियों को उठवाना शुरू कर दिया। ये समाचार फैलते ही वाहन चालकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो वाहनों को सही जगह पर सही ढंग से खड़ा करने लगे, क्योंकि उन्हें क्रेन बेदी का डर रहता था। एक दिन एक वीआईपी की कार सड़क पर गलत ढंग से खड़ी पाई गई। कार का चालक उसकी मरम्मत करवा रहा था। एक सब इंस्पेक्टर ने चालक पर जुर्माना किया और कार को क्रेन से उठवाकर थाने ले आया। उसने इस बात की जरा भी चिंता नहीं की कि कार किसी वीआईपी की है। असल में वो श्रीमती इंदिरा गांधी की कार थी, जो तब प्रधानमंत्री थी। इस पूरे मामले में मैंने सब इंस्पेक्टर का साथ दिया, क्योंकि उसने पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया था। अगले दिन ये समाचार अखबारों के पहले पन्ने पर छपा। कई लोगों ने इस बात का विरोध किया और कई लोगों ने साथ भी दिया और सम्मान भी दिया, क्योंकि मैंने वही किया जो सही था। तिहार जेल। अंधेरे गलियारे में जेल के वार्डन साहब मेरे आगे आगे चल रहे थे। दीवारों के साथ लगी खुली नालियों की बदबू से मेरा दम घुटा जा रहा था। जल्द ही हम खुले मैदान में आ पहुंचे, जहां धारीदार कपड़े पहने सैकड़ों लोग खड़े थे। सभी हैरानी से मुझे देख रहे थे। सन्नाटे को तोड़ते हुए वार्डन ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। ये थी तिहाड़ जेल, जहां 2500 कैदियों की जगह थी, वहां 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ठूस कर रखा गया था। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर धरती पर कहीं नरक है तो शायद यही है। और तब मेरी समझ में आया कि मुझे दिल्ली की बदनाम तिहार जेल का इंस्पेक्टर जनरल या आईजी क्यों बनाया गया है। कैदियों की हालत सुधारने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैं जानती थी कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। मैं रोज कैदियों से मिलने जाने लगी। मुझे बताया गया था कि मुझसे पहले के इंस्पेक्टर जनरल कभी भी जेल के अंदर नहीं आते थे। शुरू में कैदी मेरे चारों ओर जमा तो हो जाते थे, लेकिन वार्डनों के डर से बोलते बहुत कम थे। मैं कैदियों के समूहों के साथ बैठती और उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती। मैं जानती थी कि सफाई की व्यवस्था और जेल की हालत सुधारने के अलावा मुझे कैदियों को काम में व्यस्त रखना होगा, ताकि वे फालतू की लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। मैंने उनके लिए जेल में ही
कुछ सरल लेकिन असरदार उपायों की शुरुआत की, जैसे सैर करना, खेलों के आयोजन, गीत संगीत और अभिनय वगैरह। जल्दी ही मैंने भरोसेमंद अधिकारियों का एक समूह तैयार कर लिया जो इन कामों में मेरी सहायता करता था। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी धर्म के आधार पर बने गुट और उनकी आपसी दुश्मनियां। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमने सभी धर्मों के त्योहार जैसे राखी, होली, ईद और क्रिसमस मिलजुल कर मनानी शुरू कर दिए। इससे कैदियों को एक दूसरे के धार्मिक रीति रिवाजों को समझने में सहायता मिली और यही नहीं, वो इनमें हिस्सा लेकर खुशी भी महसूस करने लगे। मैंने कैदियों के लिए बहुत सारी किताबों की भी व्यवस्था करवाई। इसके बाद तो कई यूनिवर्सिटीज ने कैदियों के लिए विशेष कोर्स भी चलाए। हमने ध्यान लगाने का अभ्यास भी शुरू करवाया ताकि वो बेहतर तरीके से सोच विचार कर सकें और सजा पूरी होने के बाद अपने जीवन को फिर से शुरू करने की योजनाएं बना सकें। 1993 और 95 के बीच मैं तिहार जेल में तैनात रही। ये दो वर्ष मेरे जीवन के सबसे कामयाब वर्ष थे। हमेशा की तरह आखिरी दिन भी मैंने जेल का दौरा किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जेल में नहीं किसी ऋषि के आश्रम में हूं। सैकड़ों अपराधी जिन्होंने भयंकर अपराध किए थे ध्यान लगाए बैठे थे। हरे भरे मैदानों में धूप बिखरी थी। जेलवासी या तो परीक्षा की तैयारियों में जुटे थे या फिर कोई ऐसी कारीगरी सीख रहे थे जिसमें उनकी रुचि थी। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.